Good morning to all of you and welcome to back my YouTube channel and my vlogs. और ये है मेरा आज का न्यू vlog. आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग रही होगी vlog में, क्योंकि ना मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हुई है. इतने दिन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम और गले में दर्द. एक तो वही जो प्रॉब्लम चल रही थी मेरी, वही जो मैंने बताया था ना, गले में गांठ वाली प्रॉब्लम. पता नहीं यार, मैं ऊब गई कसम से उस प्रॉब्लम से. एक डेढ़ साल होने को आ रहा है. इतने अच्छे अच्छे देहरादून के डॉक्टर्स को मैंने दिखा दिया, DM काला और मतलब कॉरोनेशन हर जगह दिखा दिया मैंने, पर एक ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है. और मैंने एक दवाई ली है, देखो उससे क्या होता है. तो मेरा ना गला बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा. और आज जब मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तो बोला भी नहीं जा रहा है. और ये वाला व्लॉग मेरा मिक्स है, मतलब एक दो दिन पहले का है और एक आज का है. तो आज जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, आज मैंने अपना ऑफ लिया था क्योंकि बहुत ज़रूरी काम भी था और तबीयत भी बिल्कुल सही नहीं हो रही थी. और सही बताऊँ ना, अगर दिल से तो मेरा तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा. मेरा मन कर रहा है मैं जॉब छोड़ दूँ, क्योंकि बिल्कुल भी पता है. एक तो यार बोलना नहीं चाहिए, वो जॉब इतनी अजीब है ना, कसम से इतनी अजीब है. जैसे हम वो नहीं होते हैं एक बंधुआ मजदूर, तो यहाँ पर हम लोग हो गए हैं सर्टिफाइड बंधुआ मजदूर टाइप में. ना हम ऑफ़ ले सकते हैं, ऑफ़ लो तो गिड़गिड़ाओ उन लोगों के सामने कि हमें ऑफ़ दे दो, ऑफ़ दे दो. एकदम अजीब एक्सपीरियंस है यार, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि अगर मुझे ना पहले ज़रा सा भी पता होता ये ऐसी जॉब है, तो कसम से मैंने ज्वाइन नहीं करना था यहाँ पर. पर अब मजबूरी है, क्योंकि इतना टाइम निकल गया है, फ़ायदा क्या मैं छोड़ूंगी अगर लास्ट टाइम. तो मेरा पूरा सैलरी भी बस मैं तो दुआ ही कर रही हूँ यार कि कैसे कैसे ये मंथ जल्दी से कंप्लीट हो और फटाफट से मेरी सैलरी आए और देन मैं नेक्स्ट जॉब पकड़ूँ. खैर अब उस चीज़ को रखते हैं साइड में और आ जाते हैं व्लॉग पर. तो मैंने आज लिया हुआ था ऑफ, और जो ऑफ लिया हुआ था ना, तो आज रामनवमी है, कन्या जुमाई है ना. तो मतलब कि ना बचपन में तो मैं बहुत जाती थी, बहुत मज़ा आता था. तो मुझे वो जो वो हलवा होता है जिसमें चने डले होते हैं, वो इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है कि मैं क्या बताऊँ. एक भंडारे का हलवा भी मुझे बहुत पसंद है. तो मेरा मन कर रहा था कि मैं सुबह वो ही बनाऊँ, फिर मैंने जल्दी से उठ के पूरी बनाई और बनाए हलवा. और हलवे में डाल दिया मैंने देसी घी, और देसी घी मुझे ना, मैं देसी घी नहीं खाती. तो जब मैंने बाद में बनाने के बाद खाया ना वो हलवा, मैंने वो वैसे ही रख दिया, क्योंकि मुझे इतनी घिन आ गई उससे बहुत ज़्यादा. मुझे देसी घी बहुत बुरा लगता है. खैर जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने के बाद, आज मैंने पूरा दिन जो काम किया है ना, इतना काम किया है, क्योंकि मेरा किचन गंदा हो गया था. मम्मी साफ़ रखती ही नहीं थी, वो बस खाना बना देती थी, क्योंकि उनसे भी नहीं होता है इतना काम. तो बस ऐसे ना, जैसे और मुझे ये है कि एक एक चीज़ मुझे ना क्लीन मिले बिल्कुल. मुझे बहुत बीमारी है सफाई की, तो आज पूरा दिन मेरा जो ऑफ था वो ऐसे ही निकल गया. मैंने सारा सफाई करी, पहले किचन की अच्छे से सफाई करी, फिर उसके बाद मशीन लगाई. मशीन लगाते ही होती सबसे हो गई सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मशीन का ड्रायर हो गया ख़राब. तो फिर सोचो मैंने सारे कपड़े जो है ना, सब सारे भीगे भीगे कपड़े, उनको धो के फटाफट से मैंने चेयर पे रख के अपने कमरे में रख लिया. मेरा पूरा कमरा ना तालाब बना हुआ है, पानी पानी हो गया, क्योंकि यार छत पर ना, छत है हम लोगों की, दो फ्लोर हैं, मतलब तीन फ्लोर हैं, पर क्या ही बताऊँ, दो फ्लोरों पे कब्ज़ा हो रखा है. तो हम बस इन्हीं दो कमरों में रह पाते हैं यार, नीचे ऊपर वाले मतलब हम सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं सकते हैं.
कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मैं कभी शेयर करूँगी आराम से, पूरे व्लॉग बनाऊँगी इसके लिए। बाकी अभी नहीं बता पा रही हूँ मैं। तो हम अपने जो कपड़े वपड़े धोते हैं ना, वो अपने हमें रूम में ही सिखा अपने रूम में ही सुखाने पड़ते हैं। और फिर आज मैंने कपड़े, ये सारे भीगे कपड़े अपने कमरे में रखे और फिर बस कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़ेंगे। अब दुआ करना यार, पैसा वैसा हो तो हम अपना, हम तीनों यानी कि मम्मी, मैं और भाई, हम तीनों लोग मिलके अपना प्यारा सा घर बनाएं, अच्छा सा घर हो जिसमें छत मिले हम लोगों को, खुली खुली हम धूप सेक सकें। मतलब सोच के रखो यार, 2 साल हो गए मैंने अपनी सीढ़ी पे कदम नहीं रखा है, ना धूप सेकी ना कुछ ना कुछ, मतलब जा ही नहीं पाते हम अपनी सीढ़ी पे। एक ऐसा प्रॉब्लम है, कभी करूँगी शायद, खैर छोड़ो। तो बस कपड़े वपड़े धो के मैंने फटाफट से रात के लिए खाना बनाया, और आज मैंने खाने में बनाया कढ़ी चावल। तो बस खाना वाना बन के हो गया तैयार, और ऐसा था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, और बताना ज़रूर कि कैसा लगा मेरा व्लॉग। और अगर कुछ ख़राबी होगी तो भी बताना कि व्लॉग में क्या कमी है, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं उसी चीज़ पे फिर वर्क करूँगी। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल को फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग में। आज के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और अपना ख्याल रखना, और मेरी व्लॉग को देखते रहना, कंटिन्यू स्किप मत करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मैं तो भूल ही जाती हूँ यार।